क्या हमारे देश के कोई भी मंत्री, चाहे केंद्र मंत्री हो या आसाम के वित्त मंत्री हो, क्या उनको अधिकार बनता है कि वे ऐसी बात रखे जिससे पक्षपात और भेदभाव पैदा हो? साफ बात, जब कोई भी मंत्री बनता है ये देश में, आपको शपथ या कसम लेनी पड़ती है। मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि भारत के संविधान के प्रति श्रद्धा और सच्ची निष्ठा रखूंगा, अपने पद के कर्तव्य को राजभक्ति, ईमानदारी और निष्पक्षता से निभाऊंगा। ये क्यों रखा गया है? क्योंकि हमारे संविधान में आर्टिकल 14, आर्टिकल 21, आर्टिकल 15 साफ ये मूल अधिकार ये हमें कहते हैं कि जात, धर्म, लिंग के द्वारे भेदभाव और पक्षपात नहीं किया जाता। तो अगर आसाम के वित्त मंत्री कल कहते हैं कि आप तभी डिटेंशन कैंप में भेजे जाओगे अगर आप हिंदू नहीं हो, बौद्ध नहीं हो, जैन नहीं हो, क्रिश्चियन नहीं हो, निशाना एक ही है, मुसलमान, इस तरह की राजनीति से क्या होता है? समाज में भेदभाव पैदा होता है और जिस तबके के साथ इस तरह निशाना बनाया जाता है इस तरह राजनीति के द्वारा, वो तबका भय में रहने लगता है, सोचने लगता है कि क्या यहाँ की नागरिकता मेरी कायम होगी या नहीं होगी। हमारा देश एक गणतंत्र है, कोई धर्मतंत्र नहीं। अगर हमारे मंत्री जो इलेक्शन के द्वारे मंत्री बन के आते हैं और इस तरह की शपथ लेते हैं, ओथ ऑफ एलिजेंस टू द कॉन्स्टिट्यूशन, तो सवाल आप और हमको उनको ये करना चाहिए कि क्या आपको अधिकार बनता है कि आप इस तरह के पक्षपात और निशाना द्वार इस तरह की बातें रखें। कल की जो बात आसाम में रखी गई डिटेंशन कैंप को लेकर, वो सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल को लेकर रखी गई। 2016 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कोशिश की थी कि हमारे नागरिकता को लेकर जो हमारा कानून है 1955 में बना हुआ, उसमें अमेंडमेंट्स लाकर खास उन तबकों के लिए एक फेवरेबल अमेंडमेंट लाया जाए जिससे अगर आप पाकिस्तान, अफगानिस्तान या बांग्लादेश से हो और अगर आप मुसलमान नहीं हो तो आपको रेफ्यूजी स्टेटस हिंदुस्तान भारत देगा। 2016 में ये अमेंडमेंट लाए गए, लैप्स हो गए और अभी सरकार कह रही है कि नवम्बर के पार्लियामेंट सेशन में दोबारा ये अमेंडमेंट पेश किए जाएंगे सदन में। सवाल ये है कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल को लेकर जो ये अमेंडमेंट लाए जा रहे हैं, विपक्ष ने तो सवाल उठाया था 2016 में, मोहम्मद सलीम जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट के उस वक्त एमपी थे, उन्होंने डिसेंटिंग नोट भी दिया था जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी में। विपक्ष को मजबूत करने के लिए आप और हमको भी ये सवाल उठाना पड़ेगा कि क्या नागरिकता को लेकर इस तरह का भेदभाव हो सकता है? क्या जो मंत्रिमंडल में बैठे हैं केंद्र में या राज्यों में, इस तरह का पक्षपात करके आवाम और जनता में भय का वातावरण पैदा कर सकते हैं क्या? जवाब आप और हम ही दे सकते हैं, हम चुप नहीं रह सकते।